इस मेगा क्रिकेट स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट 2023 पैच और ये क्रिकेट 07। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप इस पैच को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पैच को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस पैच को डाउनलोड करने के लिए गूगल में आप टाइप कीजिए megacricketstudio.com और वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में आप HP Studios की वेबसाइट पर भी जाके इसको कर सकते हैं। तो चलिए इस पैच को इंस्टॉल करने का तरीका हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स आपके स्क्रीन पर शो कर दी गई है, जिसमें कि सबसे पहले ये क्रिकेट 07 जो कि विंडो 11 में आजकल नहीं चल रही है। तो मेक श्योर करें कि आप विंडो 11 में आपकी गेम पहले से चल रही है। इसको चेक करने के लिए आपको स्पेशली इंस्टॉल लिए क्रिकेट 07 चाहिए होगी और उसकी एक सी को आपको रन एज एडमिन करके चलाना है। अगर चल रही है इसका मतलब आपका किसी में चल रही है, नहीं चल रही है तो जस्ट इस गेम प्ले के पहले ही मैसेज पॉपअप हुआ था, आप उसको पूरा रीड कर लीजिए। तो चलिए अब इस गेम के लिए रिक्वायरमेंट पर चलते हैं। आपको करना है, आपको विंडो सिक्योरिटीज में जाके रियल टाइम प्रोटेक्शन को टर्न ऑफ करना है, क्योंकि ये क्रिकेट 07 2006 में बनी थी और आज के जमाने में क्रिकेट 07 विंडो सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए तो टर्न ऑफ करने के बाद आप चले जाएं जो आपने फाइल 3 डाउनलोड करी थी उनमें से पहली रीडमी इंस्टॉलेशन फाइल को ओपन कीजिए, जिसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस लिखा हुआ कि आपको इस गेम को कैसे इंस्टॉल करना है, जो मैं आपको करके भी बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि जो सेटअप की 7-zip फाइल है उसको रन कीजिए और रन करने के बाद उसमें आपको वो एक पासवर्ड मांगेगा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसका पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन कोड के अंदर गिवन है। तो आप उसको ओपन करें और यहाँ पर अपना पासवर्ड एज जो रजिस्ट्रेशन कोड है उसको डालें और इंस्टॉल करने के लिए। ये गेम इंस्टॉल होने में आप काफ़ी टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके PC की रिक्वायरमेंट, आपकी PC की स्पेसिफिकेशन क्या है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो जो फोल्डर आया है आप उसको ओपन कर लें और उसमें आप सबसे पहले दो फाइल्स को ढूंढें, जिसका नाम है ई क्रिकेट 07 लॉन्चर एंड क्रिकेट 07 अल्टीमेट .exe। अगर ये दो फाइल यहाँ पर अवेलेबल है दैट मीन्स आपका काम हो गया, अगर ये अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स आपके एंटीवायरस ने फाइल रिमूव कर दी है और आपको दोबारा से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप ये फाइल सारी कट करिए और इसको फ्रेशली इंस्टॉल्ड ई क्रिकेट 07 के अंदर पेस्ट कर दीजिए। जैसे ही ये कॉपी पेस्ट का काम पूरा हो जाएगा आपकी गेम पूरी तरह से इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपका गेम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और आगे के स्टेप्स आप रीडमी से भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये क्रिकेट 2007 के फोल्डर में जाकर क्रिकेट 07 लॉन्चर से गेम को रन एज एडमिन करना है। तो ये आपका लॉन्चर ओपन हो जाएगा। लॉन्चर के ओपन होने सबसे पहले आपको टूर्नामेंट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल और यहाँ पर आपको रोस्टर सिलेक्ट करके अप्लाई ऑल करना है और साथ ही में ये जितने भी पीछे स्टंप ओवरले हैं आपको अपने हिसाब से इसको लॉन्च करके अप्लाई ऑन करना है। तो उसके बाद आपको चेक करना है कि रोस्टर वहाँ पर इंस्टॉल हो गया, तो आप माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर आप रोस्टर चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस एक बार दोबारा से फॉर द फर्स्ट टाइम आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा क्रिकेट 2023 खेलने के लिए। तो पैच को स्टार्ट करने के लिए राइट में जो ब्लैक कलर का क्रिकेट 07 अल्टीमेट .exe का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करिए। अगर ये नहीं क्लिक हो रहा है तो क्रिकेट 07 अल्टीमेट .exe को रन कीजिए जैसा मैं आपको करके बताया। उसके बाद आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी और गेम स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपको रोस्टर को लोड कर लेना है और फिर आप अपना टूर्नामेंट खेल सकते हैं। तो रोस्टर लोड करने के लिए माई क्रिकेट में जाएं, लोड सेव में जाएं, लोड सेव के बाद लोड करके उस रोस्टर को सिलेक्ट कीजिए जिसका नाम IC23 है और आपका रोस्टर लोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना, अब आपको मेन मेन्यू में आकर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 को क्लिक करना है और ऐसे ही पिक्चर्स बिल्कुल लेटेस्ट 2026/07 सिलेक्ट करने जो कि 23 के ही होंगे और उसके बाद आपको अपनी फेवरेट टीम सिलेक्ट करनी है, इंडिया चूज करा और यहाँ पर हम सीधा गेम की तरफ चले जाते हैं। And of course the official close to the summer of cricket down under. This is a 5-day match between the two sides who have managed to finish in the top 2 places in the Pura Cup table. And this of course decides the trophy. Had to bat first, had to. It's a beauty of a pitch. I know people are saying, oh well it's cloudy and it might swing around, but no, for me, get the runs on the board. So we're all ready for the first ball of the innings. Thank you.
sweeper picks up. He's winded, but I think he'd be okay to continue. Just one run. Brings up his half century. He's batted well today, good concentration and excellent technique. There's his half century. Concentration is the key now. There's 100 for him out there. The sweeper picks up. I think he was easily back in the crease there. We've got here today, in the commentary box for you, is Richie Benham. Thanks, Mark. Got him, yes, he's out. Straight in. No problem with that. You wouldn't expect to miss those. Now, he made that catch look easy, but it was far from it. He's gone for a duck. Well, he wasn't out in the middle for long. He didn't trouble the scorers, and neither did he trouble us. And out. That flew off the edge, but he managed to get a hand to it and it stuck. Now that's an important catch. Oh boy, is that an important catch. And didn't he do well to cling on? This was how the wicket fell. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और भी ऐसी क्रिकेट 07 के नए नए पैचेस की वीडियोस देखने के लिए मेगा क्रिकेट स्टूडियो को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।